अच्छे से डिलीवरी होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेम मेरे साथ क्या हुआ था, मेरा जो बेबी है वो भी 9 मंथ 6 डेज का हुआ है, 9 मंथ 5 डेज 5 6 ऐसे करके एवरीवन ही है। वेलकम बैक टू माय चैनल प्राची टिप्स एंड ब्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे और सभी की प्रेगनेंसी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। प्रेगनेंसी का जैसे ही लास्ट टाइम आता है, यानी कि लास्ट मंथ आता है, तो ऐसे में हर एक महिला के मन में एक बात चल रही होती है कि उनकी डिलीवरी कब होगी, किस टाइम पे होगी, क्योंकि 9 मंथ तो हमारा कंप्लीट हो गया है, अब डिलीवरी कब होगी। कुछ लेडीज ऐसी होती हैं जिनकी डिलीवरी 9 मंथ से पहले हो जाती है, 8.5 मंथ पे हो जाती है, 8 मंथ पे हो जाती है। तो और कुछ लेडीज के साथ ऐसा होता है कि उनके 9 मंथ पूरे तो हो जाते हैं बट उनकी डिलीवरी नहीं होती है, जैसे कि मेरे साथ भी सेम सिचुएशन थी। तो ऐसे में हमें क्या करना है, कब तक वेट करना है और हमारी डिलीवरी कब होगी, इस वीडियो में आपको यही बताऊंगी। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करें, और वीडियो पसंद तभी आएगा जब आप पूरा वीडियो वॉच करेंगे। आप पूरा वीडियो जरूर वॉच करना, पसंद आए तो लाइक जरूर करना, और चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर करना। मेरे चैनल पे प्रेगनेंसी रिलेटेड काफ़ी अच्छे वीडियोस आते हैं, आप उनको अच्छे से वॉच करिए, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी बेबी से रिलेटेड और आपकी प्रेगनेंसी डाइट वगैरह जो भी है उससे रिलेटेड। ठीक है, तो बिना देरी करते आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को करते हैं शुरू। अगर आप चाहते हैं कि आपकी डिलीवरी बिल्कुल टाइम पे हो, यानी कि 9 मंथ में, एक 9 मंथ तक क्या होता है डिलीवरी नहीं हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, 9 मंथ से ज़्यादा दिन जब हो जाते हैं, यानी कि 10 दिन या 15 दिन हो जाते हैं, तब ज़्यादा दिक्कत मालूम पड़ती है, डॉक्टर तुरंत ही एडमिट होने को बोल देता है, जैसे कि मेरे साथ हुआ था। अगर आप चाहती हैं कि आपको टाइम से डिलीवरी आपकी हो जाए, यानी कि 9 मंथ से 1-2 दिन पीछे आगे पीछे हो रहे हैं, तो अच्छी बात है। अगर आप चाहती हैं कि आपकी टाइम से डिलीवरी हो जाए, तो जैसे ही आपका 8 महीना या 8.5 महीना, आप चाहती हैं कि मेरी 9 मंथ तक हो जाए और आपका 8वां महीना इस टाइम चल रहा है, तो ऐसे में आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए, कंटिन्यू वॉक कर दीजिए, करना शुरू कर दीजिए। और जैसे कि गर्म तासीर की चीज़ें जो कि मैंने लास्ट वीडियोज़ में भी अपने बताई हैं, आप वो खाना शुरू कर सकती हैं। इससे क्या होगा, आपकी एक्यूरेट सही टाइम पर डिलीवरी होगी। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम जब हो जाता है तो बच्चे के मुंह में गंदा पानी वगैरह चला जाता है, जिससे कि आपको सुना होगा बेबी की कभी कभी डेथ भी हो जाती है, कभी आईसीयू में भर्ती भी कराना पड़ता है। तो ये सारी सिचुएशन पैदा ना हो, इससे बेहतर ये है कि आप थोड़ी सी मेहनत कर लें और आपका बेबी अच्छे से हेल्दी बाहर इस दुनिया में आए और आप भी स्वस्थ रहें। तो ऐसे में आपको जब स्टार्टिंग का टाइम चल रहा हो, मतलब 8वां महीना जब चल रहा हो, तभी से आपको थोड़ा सा मतलब अपनी बॉडी पे काम करना है। आप अच्छे से वॉक वगैरह करिए और अच्छी से चीज़ें खाइए, आपने एक्टिव रहना है, तो आपकी टाइम टू डिलीवरी हो जाएगी। और जिन लेडीज़ की क्या होता है कि 9 मंथ हमारा पूरा हो गया है और हमारे दिमाग में काफ़ी ज़्यादा टेंशन आ गई है कि अब डिलीवरी कब होगी, वो सोचती रहती है, कभी कभी तो लोगों को टेंशन भी हो जाती है कि 9 मंथ हो गया डिलीवरी नहीं होगी, कहीं बच्चे कोई दिक्कत नहीं, और ये बात बिल्कुल सच है। जब 9 मंथ हमारा हो जाता है तो ऐसे में हमारे दिमाग में काफ़ी सारी गलत चीज़ें भी चलने लगती हैं, कहीं बच्चे को कोई दिक्कत वगैरह ना हो जाए, ये ठीक है, थैली फटने का डर रहता है, पानी की थैली जो होती है। तो ऐसे में हमको क्या करना है, जैसे आपका 9 मंथ कंप्लीट हो चुका है और आपकी डिलीवरी के आपको कोई भी सिम्टम्स नज़र नहीं आ रहे, लेबर पेन के जो सिम्टम्स हैं वो नज़र नहीं आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, डॉक्टर डॉक्टर के पास जाना है, वो जैसा टाइम आपको बता रहा है आपको सेम वैसा ही करना है। और 9 मंथ अगर आपका कंप्लीट हो गया, आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो रही, उसके बाद भी आप वॉक कंटिन्यू करिए, आप 1000 कदम चलिए, जीने को आप चढ़िए उतरिए और ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करिए, एक्सरसाइज करिए, पोछा लगाइए, ये सारी चीज़ें, ये बातें जो बड़े बुजुर्ग हमारे बताते हैं बिल्कुल सच बताते हैं। अगर आप अगर किसी सिचुएशन की वजह से आपका डिलीवरी नहीं हो पा रही है, आपका बेबी उल्टा है, टेढ़ा है, तिरछा है, तो आपका सीजर होने के लिए डॉक्टर बोल सकता है, क्योंकि बेबी की जान को खतरा होता है। अगर आपकी नॉर्मल रिपोर्ट्स आ रही हैं तो आप ज़रूर मेहनत करिए, आपका बेबी सुरक्षित बाहर आएगा, आप नॉर्मल डिलीवरी आसानी से आपकी हो जाएगी और टाइम से हो जाएगी। अगर आपको ये सब भी चीज़ें नहीं आ रही हैं तो 9 मंथ और भी, अगर आपका 9 मंथ से ज़्यादा टाइम हो गया, यानी कि और लोग कहते हैं, हमारे जो मम्मी लोग होती हैं, दादी वगैरह होती हैं, वो लोग कहती हैं कि 9 मंथ 9 डेज का टाइम होता है पूरी प्रेगनेंसी का। ठीक है, तो 9 मंथ 9 डेज तक ही हमको वेट करना है, यानी कि 9 मंथ 1 वीक लगभग पे वेट करना है। इसके बाद अगर आपको कोई भी सिम्टम नज़र नहीं आ रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं लग रही है, एकदम आप
नॉर्मल चल फिर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, हल्का सा भी पेन नहीं आ रहा है, तो आप डॉक्टर से ज़रूर मिलिए, और डॉक्टर जो आपसे सजेशन देता है, आपसे जो कहता है, वो आपको ज़रूर से ज़रूर मान लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपनी मर्जी चलाती हैं तो इससे क्या होता है, एंड टाइम पे बेबी को दिक्कत हो जाती है, बेबी को खतरा रहता है। ठीक है, तो आप अगर चाहती हैं कि आपकी टाइम से डिलीवरी हो जाए, तो आप 8 मंथ से अपने शरीर पे काम करना शुरू कर दीजिए। जैसे ही आपका 9 मंथ लग जाए, तो आप थोड़ा और एक्टिव हो जाइए। 9 मंथ से 1 वीक ज़्यादा तक हम लोग वेट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको वेट नहीं करना है। अगर आप वेट करती हैं तो इससे आपको और आपकी बेबी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो मेरा ये वीडियो सिर्फ आपको ये आगाह करना था कि आप अपने आप को एक्टिव रखें, और स्टार्टिंग से आप अगर अपने आप को एक्टिव रखते हैं तो डेफिनेटली आपकी अच्छे से डिलीवरी होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेम मेरे साथ क्या हुआ था, मेरा जो बेबी है वो भी 9 मंथ 6 डेज का हुआ है, 9 मंथ 5 डेज 5 6 ऐसे करके हुआ है। तो मैंने स्ट्रगल किया थोड़ा सा, मैंने अपने आप को एक्टिव रखा, मैंने वॉक वॉक करी है, मैंने अपनी पूरा एक्सपीरियंस अपने लास्ट वीडियोस में शेयर भी किया है। आप चाहते हैं कि आपकी डिलीवरी अच्छे से हो जाए, तो आप इधर उधर ना भाग के एक ही चीज़ को पे फोकस करिए, आप मेरे वीडियो वॉच करिए, आपको डेफिनेटली उसमें मदद मिलेगी। और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैंने किया है वो मैं आपको बताती हूँ, जिससे कि आपकी कुछ मदद हो सके। ठीक है, तो मेरा ये वीडियो आपको सिर्फ और सिर्फ एक आगाह करना है, 9 मंथ 9 डेज तक आप वेट करिए, इससे ज़्यादा आप वेट ना करिए, आप डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करिए। मेरा ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव थोड़ा सा भी लगा हो तो प्लीज़ लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी समस्या है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकती हैं, मैं आपकी जल्दी जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी, और आपके जो चीज़ें हैं, आपकी जो क्वेश्चन है, उसमें वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो मिलती हूँ ऐसे ही अगले छोटे से इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड